कला साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ तथा नोस्टलिंजिया एटी द्वारा इंटरनेशनल थिएटर म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल 2023 का आयोजन 7 से 10 दिसंबर तक भिलाई के महात्मा गांधी कला मंदिर में किया जाएगा। इस आयोजन में देश विदेश के कलाकार शामिल होने वाले हैं और हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में रंगमंचीय प्रस्तुतियां देखने को यहाँ पर मिलेगी। भिलाई के आकाश पर रंग महोत्सव का इंद्रधनुष छाएगा इस दिसंबर। जी हाँ, कला साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ एवं नॉस्टैल्जिया 80 द्वारा इंटरनेशनल थिएटर म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल 2023 का आयोजन भिलाई में होने जा रहा है। यह आयोजन 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक भिलाई के महात्मा गांधी कला मंदिर में किया जा रहा है। इस वृहद आयोजन को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु वित्तीय पक्ष के पूर्ति बाबत सभी कलाकार एकजुट होकर प्रयासरत हैं तथा प्रायोजकों ने भी सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है। इस शीर्ष स्तरीय महोत्सव में देश विदेश के कलाकार भिलाई की भूमि को धन्य करेंगे। आयोजन में बॉलीवुड के प्रख्यात फिल्म निर्देशक अनुराग बासु ने विशेष रूप से उपस्थित रहने की सहमति प्रदान की है। 4 दिवसीय महोत्सव में 7 दिसंबर को कोलकाता के प्रख्यात संतूर वादक पंडित दिशारी चक्रवर्ती के संतूर वादन के साथ निशांत सिंह के पखावज वादन की प्रस्तुति होगी। वहीं 8 दिसंबर को अमेरिका की टीम द्वारा अंग्रेजी में सखाराम वाइंडर नाटक का मंचन विशेष आकर्षण का केंद्र होगा, जो भिलाई के रंग प्रेमियों के लिए एक अप्रतीत उपहार होगा, जिसमें भिलाई के सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 के पास आउट सजल मुखर्जी, एमडी डेलॉयट, प्रख्यात रंगकर्मी उस सखाराम की भूमिका का निर्वहन करेंगे। इसी के साथ 9 दिसंबर को कोलकाता के सुप्रसिद्ध नाट्य संस्था रंग शिल्पी नाटक समूह द्वारा प्लावन बसु के निर्देशन में एक था सुखीराम नाटक का मंचन तथा कबीर के दोहे की विशेष प्रस्तुति कोलकाता से ही टैगोर रत्न अवार्ड से पुरस्कृत प्रोसेनजीत विश्वास के निर्देशन में पदार्पण नृत्य समूह द्वारा कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर रचित चित्रांगदा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी जाएगी। इस आयोजन का विशेष आकर्षण 10 दिसंबर का होगा, जिसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा नृत्य नाटक संगीत दलों द्वारा विविध आकर्षक प्रस्तुतियाँ भी दी जाएंगी। भिलाई के प्रतिष्ठित समूह इप्टा, सूत्रधार, स्वयं सिद्धा, रविंद्र सुधा एवं अन्य द्वारा स्थानीय कलाकारों की एकल प्रस्तुतियां प्रस्तुत की जाएंगी। यह जानकारी प्रेस वार्ता में भिलाई के रंगकर्मियों ने उपलब्ध कराई है। भिलाई में हम लोग प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय थिएटर म्यूजिक और डांस फेस्टिवल करने जा रहे हैं 7 से 10 दिसंबर के बीच, जिसमें उसका बहुत सारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें एक प्रमुख है ऑनलाइन ऑफलाइन म्यूजिक वर्कशॉप और पूरा निशुल्क है ये आयोजन। यहाँ से देखिए बाहर से संतूर वादन में पंडित दिशारी चक्रवर्ती जी हैं 7 तारीख को कलकत्ता से, और आठ आठ पखावज में निशांत सिंह हैं, 8 तारीख को USA का सखाराम बाइंडर इन इंग्लिश में है 8 तारीख को, 9 तारीख को 2 प्रस्तुतियाँ हैं, एक है रंग शिल्पी कोलकाता की एक था सुखीराम हिंदी में नाटक, और दूसरा है कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित चित्रांगदा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति बांग्ला में। 11 लोग हैं उनकी टीम में, कुल 11 लोग हैं, और उसमें वो लोग इंग्लिश पे प्ले करते हैं और उनका यूज में काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर, और उसमें हमारे लिए गर्व की बात है कि उसमें हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 से पास आउट सजल मुखर्जी जो MD डिलॉयट है वो सखाराम की प्रमुख भूमिका का निर्वहन करेंगे यहाँ पर। देखिए ये एक एक तो सांस्कृतिक एक अच्छा माहौल तैयार करना पूरे छत्ते आदान प्रदान और एक अच्छा सांस्कृतिक माहौल पूरे छत्तीसगढ़ में बनाना, और सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को एक नया सकारात्मक दिशा देना उनके जीवन में, ये सबसे बड़ी बात है हमारे। देखिए इसमें युवाओं को मैं बहुत ज़्यादा दोष नहीं देता, हम लोग को सामने आना पड़ेगा, उनको सही दिशा देना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि जॉब अपॉर्चुनिटी, अब अभी ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है, हाँ रिक्रूटमेंट जो ऑल इंडिया बेसिस में होने के कारण यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज, यहाँ बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ के बच्चे बाहर बैंगलोर चले जा रहे हैं या बड़े बड़े महानगरों में चले जा रहे हैं, हम लोग को ऑन रोटेशन में काम करना पड़ेगा। वो ऐसा है कि जैसे हमने महाविद्यालयों को चुना है कि वहीं अपन गतिविधियाँ का संचालन करेंगे, ताकि हमको एक रोटेशन में युवाओं का वर्ग हमें मिलता रहे निरंतर। नाम और बच्चे? नमस्कार, मैं मणिमय मुखर्जी और मैं भी एक रंगकर्मी हूँ। इस कार्यक्रम के मुख्य गेस्ट हैं अनुराग बासु, जो देश के प्रसिद्ध फिल्मकार हैं, और सबसे अच्छी बात यह भी है कि भिलाई में ही वो पैदा हुए, उन्होंने अपनी बहुत सारी शिक्षा भिलाई में ली, थिएटर वो बचपन से देख रहे हैं, उनके पिताजी यहाँ बहुत बड़े थिएटर डायरेक्टर थे,
उनको देखकर उन्होंने सीखा और नेहरू हाउस में वो कहते भी हैं कि हम वहीं पर बड़े हुए जी। 7 तारीख को उद्घाटन में अनुराग बासु यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और वो उद्घाटन करेंगे और बीच बीच में उनके साथ इंटरेक्शन होगा और वो कुछ युवाओं को जो सिनेमा से जुड़ना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको टिप्स दें। कुल हिस्सा अभी तक हम लोग का अंदाज है कि लगभग 200 प्रतिभागी हमारे पूरे कार्यक्रम में रहेंगे। उसमें कुछ लोग जो ऑनलाइन वर्कशॉप में रहेंगे, ऑफलाइन वर्कशॉप जो म्यूज़िक की चल रही है, पंडित दिशारी चक्रवर्ती जो कि देश के प्रसिद्ध संतूर वादक हैं और देश विदेश में वो कार्यक्रम कर चुके हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो चुकी, लेकिन ऑफलाइन भी वो 6 तारीख से यहाँ करेंगे। तो एक तो ऑनलाइन कार्यक्रम और ऑफलाइन कार्यक्रम वर्कशॉप में शामिल रहेंगे यहाँ के युवा, और उसके अलावा जो अनुराग बासु जो आ रहे हैं मुंबई से, वो भी यहाँ पर 2 दिन का वर्कशॉप ले। ऑनलाइन का अभी टाइम है 6 से 8 और वो अभी 24 को कल शुरू हुआ है, एक और 28 तारीख को होने वाला, 27 तारीख को, और एक 2 तारीख को, इसके बाद वो ऑफलाइन लेंगे। ऑफलाइन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम ये कार्यक्रम मार्च से कर रहे हैं और मार्च से हमने भिलाई के बहुत सारे युवाओं को जोड़ने की कोशिश की है और लगभग हमारे साथ 200-250 ऐसे कलाकार हैं जो विभिन्न माध्यमों में काम करते हैं, नाटक में है, संगीत में है, नृत्य में, सबने अपने परफॉर्मेंस हमारे इस मंच के द्वारा दिया है। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को हम यहाँ पर 10 तारीख को आमंत्रित कर रहे हैं जो यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत। मैं आह्वान यही करना चाहूँगा कि हमेशा से भिलाई जो है सांस्कृतिक रूप से इतना परिपक्व है और इतना उनका पूरे देश में नाम है, तो वो इस कला में अपने बच्चों को आगे भेजेंगे, खुद स्वयं आएंगे और युवाओं को एक प्रेरणा देंगे कि वो इस कार्यक्रम में शामिल हो। सामाजिक विघटन के दौर में भिलाई के पुराने सांस्कृतिक स्वरूप को वापस लाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए भिलाई के सभी कलाकार एकजुट हो गए हैं तथा भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन भी संपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है। सभी के साझा प्रयासों से यह कार्यक्रम सफलता की ओर कदम बढ़ाता नजर आ रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।